रवि विक्रमा जी, आपने वोट डाल दिया है, क्या उम्मीद है आपको? हाँ नहीं, हम लोग तो ये सीट निकल रही है हमारी, हम जीत रहे हैं। और राम से तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से अबव में हम जीतेंगे। बीच में ये चर्चा थी कि आपने कहा कि बड़ा गड्ढा है जिसको पाटना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है, मैं आज भी कायम हूँ उस बात पे कि हमने जो लोकसभा में 7 से 8 हजार का हमारा गड्ढा था और 2200 के लगभग हमारा विधानसभा का गड्ढा था, रामसगर हमारा 10 हजार का गड्ढा रहा है, जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले तक उस गड्ढे को पाट के हम आगे निकल गए। तो क्या उम्मीद है कि आपकी माँ जो है वो जीत जाएंगी? हाँ, हमने वही बताया ना कि हम लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में जिस प्रकार जनता का सहयोग मिल रहा है और वोटिंग भी, मैंने अभी कई जगहों पे मैंने फोन के माध्यम से बात भी करा तो बता रहे थे 100 से ऊपर अभी तक, मतलब 1 घंटे में ही 100 के पार कर गए हैं ऐसा बता रहे थे, गांव में वो भी इंटरियल में। तो उससे ऐसा लग रहा है जो उत्सुकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार है और सरकार ने जो इस 8 महीने में जितने कार्य किए, मैं समझता हूँ कि उतने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बोलने में विश्वास रखा है, तो वो चीजें भी हमारे लिए बहुत प्लस का काम करेंगे। मतलब किन इलाकों से आप जैसे बोल रहे हैं कि फोन पे बातचीत? अभी मैंने हमारे मुस्तला छिन्नार वगैरह में लगातार संपर्क कर रहा था मैं, तो उधर पे बता रहे थे कि सुबह 7 बजे से ही हम लोगों ने, मतलब हमारे यहाँ वोटिंग चालू हुआ है और अच्छी वोटिंग हो रही है। अच्छा जी, तो इन इलाकों से आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी को वोट मिले? हाँ, मतलब राउंड फिगर, मतलब अपन अगर बात करेंगे पूरा राउंड दंतेड़ा की तो बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। जी अच्छा, क्या सरकार के कामकाज के बूते आपको वोट पड़ रहे हैं या कोई और भी मसले? देखिए, सरकार का कामकाज हमारा, मतलब आप कह सकते हैं कि 15 साल में आप सिर्फ शहरों का ही विकास किया है, ग्राउंड पे देखेंगे ग्रासरूट लेवल पे जो किसान है, गरीब है, जिनके पास, मतलब जैसे नौजवान है उनके पास रोजगार भी नहीं है, ये सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो काम कर गई है। अच्छा, आपकी माता जी कब वोट करने हैं? आप भी बस आते ही हैं वो आई। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये छविंद्र कर्मा जो जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं शुरुआती जो बातचीत उन्होंने की है, जो रुझान उनको मिले हैं उसके मुताबिक उनकी पार्टी जीत रही है और जीत का श्रेय उन्होंने सीधे सीधे, अब अगर पार्टी जीतती है तो उसका श्रेय सरकार को देंगे। मतलब ये चुनाव कहीं ना कहीं 15 साल वर्सेस 9 महीने का होने जा रहा है, ऐसा छविंद्र कर्मा का कहना है। रुपेश अब एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ लोगों की उत्साहित भीड़ दिख रही है और काफी लोग भी वोट डालने के लिए आए हैं, तो क्या माना जाए जो सुबह का एक टाइम है उस दौरान कितने लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, यानी कितना रेशो माने के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं?